नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज हम N95 मास्क के बारे में जानेंगे कि यह कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है या नहीं। पहले हम जानते हैं कि N95 मास्क के क्या फ़ायदे हैं। यह मास्क मल्टीपल लेयर से बना होता है, जिसकी वजह से यह हवा में मौजूद पैथोजेंस धूल कण को आसानी से फिल्टर कर देता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। यह चेहरे पर पूरी तरह फिट हो जाता है। इसमें कूलिंग सिस्टम होता है, जिससे यह हवा को नॉर्मल कर देता है। क्या N95 मास्क कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सुरक्षित है? तेजी से फैलता हुआ यह कोरोना वायरस, जिसकी वजह से मास्क पहनना गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह से यह हमारे जीवन का एक अहम पार्ट बन चुका है। राजीव गार्ग, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इन्होंने 20 जुलाई को चिट्ठी लिख सभी राज्यों को वॉर्न किया है कि N95 मास्क अनुचित है कोरोना वायरस से लड़ने में। उन्होंने कहा, जिसमें वेल्व्स मौजूद होते हैं, यह असक्षम है कोरोना वायरस से लड़ने में। आपको मैं बता दूं कि दो टाइप के N95 मास्क मार्केट में मौजूद है। पहला, जिसमें वेल्व प्रेजेंट है, दूसरा वेल्व एब्सेंट है। जिस मास्क में वेल्व मौजूद है, उसका क्या? पहली बात, सभी N95 मास्क में वेल्व नहीं पाए जाते। वेल्व्स का यूज़ हवा को फिल्टर करने के लिए और हवा को कूल करने के लिए होता है। वेल्व में सिलिकॉन फाइबर पाया जाता है, जो कि यह काम करता है। परंतु कुछ कंपनियां मास्क सस्ते बनाने के लिए सिलिकॉन फाइबर की जगह रबर का यूज़ करती है, जिससे मास्क सस्ती हो जाती है, परंतु यह किसी काम की नहीं होती। N95 मास्क पॉल्यूशन के लिए बनाया गया था, ना कि कोरोना वायरस के लिए। यह दिल्ली, कानपुर जैसे अन्य पॉल्यूटेड राज्यों को लड़ने में कामगर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह कोरोना से लड़ने में क्यों कारगर नहीं है। जिस N95 मास्क में वेल्व पाया जाता है, यह वेल्व 3M कूलिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि वन वे फिल्ट्रेशन करती है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ब्लू साइन जो है हवा अंदर फिल्टर होती है, परंतु जब अंदर की हवा बाहर निकलती है, तब यह फिल्टर नहीं होती। अगर मान लीजिए कोरोना से संक्रमित व्यक्ति मास्क पहनता है, तो वह हवा को फिल्टर कर लेगा, परंतु जब वह श्वास बाहर छोड़ेगा, तब वह कोरोना को फिल्टर नहीं कर सकता। वन वे फिल्ट्रेशन की वजह से कुछ देशों और शहरों ने N95 मास्क को बैन भी कर दिया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप सर्जिकल मास्क यूज़ करें, लेकिन एक बार यूज़ करने के बाद उसे फेंक दें। N95 मास्क यूज़ करें, परंतु वेल्व एब्सेंट हो। वैसे होममेड कोरोना मास्क को यूज़ करें। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि होममेड मास्क कैसे बनाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय